अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के C++ के लेक्चर नंबर 21 के अंदर हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा था और आज हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और इसका सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। सबसे पहले हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट इन C++ विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट रेफर्स टू नेस्ट स्विच स्टेटमेंट्स। नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कुछ ट्यूटोरियल्स पहले पढ़ा था कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर हमने इफ इनसाइड इफ, इफ एल्स इनसाइड इफ एल्स इफ, बहुत सारे इनके कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। तो नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट को नेस्ट करना। स्विच स्टेटमेंट को नेस्ट करने का मतलब क्या है? एक स्विच स्टेटमेंट को, एक आउटर स्विच स्टेटमेंट को एक इनर स्विच स्टेटमेंट में नेस्ट कराना, यही इसका कॉन्सेप्ट है नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का। द फर्स्ट स्विच इज रेफर्स टू एज एन आउटर स्विच, वेयर इज द इनसाइड स्विच इज रेफर्स टू एज एन इनर स्विच स्टेटमेंट। यानी कि इसके अंदर हमारे पास दो स्विच स्टेटमेंट होती हैं। जो हमारा फर्स्ट स्विच स्टेटमेंट होता है उसे आउटर स्विच कहते हैं, और जो उसके अंदर होता है, उसके इनसाइड होता है, उसे हम इनर स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट नेस्ट हो जाती है, जिसे हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स जो होता है वो थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, लेकिन अगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे इसके, जितना आप इसको हैंड प्रैक्टिस पर रखेंगे उतनी आपको आसानी होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें दो वेरिएबल लेने होते हैं, क्योंकि हमें नेस्टेड स्विच चाहिए तो वेरिएबल दो होते हैं। लेकिन इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास दो ही वेरिएबल हों, एक वेरिएबल से भी ये आप काम करा सकते हैं कि आप एक ही वेरिएबल इस्तेमाल करें और काम कर लें। लेकिन जो आप ज़्यादातर जहाँ पे नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं, क्योंकि सिंगल वेरिएबल के ऊपर तो वैसे हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट होता है, तो हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे जो जर्नल इसका काम होता है, जर्नल सिंटैक्स जो होता है इसका, या जर्नल रिक्वायरमेंट जो होती है, उसके हिसाब से लिखा है कि इधर हमने एक वेरिएबल वन लिया है, जबकि हमने इधर इनर स्विच के अंदर एक वेरिएबल टू लिया है। इस तरीके से हमने दो वेरिएबल लिए, स्विच वन, उसके बाद हमने स्विच वन का केस ए लिखा है। हमारा जब केस ए मैट हो जाएगा तो ये इधर मैंने लिखा है दिस पार्ट इज अर पार्ट ऑफ, दिस ए इज अर पार्ट ऑफ अर आउटर स्विच, यानी कि ये हमारे आउटर स्विच का पार्ट है। उसके बाद कंट्रोल इनर स्विच में आएगा, ये हमारा इनर स्विच है, जब मैंने डबल टिक किया है। इसके बाद इनर स्विच का केस है एग्जीक्यूट होगा कि दिस पार्ट ए इज पार्ट ऑफ इनर स्विच, यानी कि ये इनर स्विच का पार्ट है, ये इसकी ब्रेक स्टेटमेंट आ गई। इसके बाद इसके जितने भी स्टेटमेंट होंगी एंड सो ऑन, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिए कि एंड सो ऑन, इसके जितने भी स्टेटमेंट होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा ये सारा इनर स्विच है, जबकि ये जो पूरा इसका सिंटैक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा आउटर स्विच है, ये सारा नेस्टेड स्विच है, या आउटर स्विच भी इसे कह लें कि आउटर नेस्टेड स्विच आप इसे बोलेंगे। आउटर स्विच का जो हमारा सिंटैक्स है वो ये रहा, ये इसका ऊपर वाला पार्ट और ये इसका लास्ट पार्ट जो है ब्रेक के बाद जितने भी इसके कैसे देंगे, ये सारा हमारा आउटर स्विच है। जबकि जो रेड पोर्शन में जो लिखा हुआ है, जो रेड कलर से मैंने लिखा है, ये सारा हमारा इनर स्विच है। तो इसका जनरल सिंटैक्स है, इसका जनरल सिंटैक्स के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। कंट्रोल का फ्लो भी मैंने आपको बता दिया कि ऊपर अगर हमारी कोई सी भी स्टेटमेंट लिखी है उसके बाद कंट्रोल सबसे पहले आएगा स्विच वन के अंदर, स्विच वन के बाद केस ए चेक होगा, केस ए के बाद केस ए अगर ट्रू हो जाता है तो सी आउट की स्टेटमेंट होगी। जब सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद कंट्रोल स्विच वेरिएबल टू में आएगा, उसको वेरिएबल टू को चेक करेगा, अगर वेरिएबल वन की कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसके बाद नेस्टेड स्विच या इनर स्विच जो है उसका केस, उसके केस चेक होंगे, उनमें से ए बी सी जितने भी होंगे एंड सो ऑन जितने भी होंगे उसमें से कोई एक जो है वो केस सेलेक्ट होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आके ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ से ब्रेक के ज़रिए ख़त्म हो जाएगा। तो केस वन आपका की जो एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ये सारा जितने भी केस बी से लेके ये लास्ट पार्ट जो है ये सारा स्किप हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप केस बी के अंदर भी एक और स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं तो जाहिर बात है कोई एक ही केस ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसका भी कंट्रोल का फ्लो इसी तरह से होगा कि सबसे पहले आउटर, फिर आउटर की ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, फिर उसके बाद इनर स्विच, फिर इनर स्विच का ब्लॉक ऑफ कोड, पहले इनर स्विच का केस, फिर उसके बाद इनर स्विच के केस का ब्लॉक, फिर उसके बाद ब्रेक, और उसके बाद वो सारा उसका बाद का कोड स्किप हो जाएगा। तो अब हम अपने IDE Dev C++ में चलते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो इधर अब हम अपने IDE Dev C++ में आ गए हैं और अब हम यहाँ पे अपने नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम बनाएंगे।
सबसे पहले हम एक कंट्रोल एन से एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, देन हम हैश इंक्लूड लगा के आईओ स्ट्रीम देंगे एक अपनी हेडर फाइल यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस देन एसटीडी स्टैंडर्ड मेन फंक्शन। देन हमारे पास हम एक इंटीजर लेंगे, इंटीजर ए ले लेते हैं हम, फिर अपनी रिक्वायरमेंट को हम थोड़ा चेंज कर देंगे, ए इज इक्वल्स टू 1, ए इज इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, सेमी कॉलन। उसके बाद एक हम लेते हैं स्विच स्टेटमेंट, उसके अंदर हम वेरिएबल लेते हैं ए। इसके बाद हम अपने केसेस लिखने स्टार्ट करते हैं, 1 केस 1, देन इसकी हम सी आउट की स्टेटमेंट लिख देते हैं के द वैल्यू ऑफ ए इज 1 जस्ट। इसके बाद हम अपना दूसरा केस लिखते हैं, इसके अंदर हम 10 दे देते हैं ताकि अगर हम 1, 2, 3 तक जाते तो हमें 10 स्टेटमेंट्स देनी पड़ती, तो हमारे लिए काफ़ी लंबा हो जाता, लेंदी हो जाता, तो इसके लिए हमने इसको दे दिया द वैल्यू ऑफ ए इज 10, इसको हमने दे दिया। इसके बाद हम अपना एक इनर स्विच लिखते हैं, इनर स्विच के अंदर अब हम एक काम करते हैं कि ए के साथ हम एक और वेरिएबल लेते हैं बी, ये काम करते हैं ए, हाँ ए के साथ हम एक वेरिएबल लेंगे बी और उसको भी असाइन करेंगे एक वैल्यू, बी इज इक्वल्स टू 20। देन हमने लिखा बी, इसके अंदर आए कि अगर हमारी ए का केस अगर ट्रू हो जाता है तो उसके बाद बी की वैल्यू चेक हो जाएगी, हमने इधर लिख दिया केस 10 केस 20। देन हमने लिख दिया सी आउट द वैल्यू ऑफ बी इज 20 और इसका केस 10 हम नहीं दे रहे, या केस इसका जो केस 10 है इसको भी हम दे देते हैं, यहाँ पे हम जस्ट वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसकी वैल्यू हमने 10 कर दी। तो ये हमारा जो है वो प्रोग्राम जो है अब सारा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आपको इसका एक दफ़ा फिर फ्लो समझा देता हूँ कि इसके अंदर जो कंट्रोल का फ्लो है वो कैसे होगा, कि सबसे पहले यहाँ पे ये सारे मेन फंक्शन के बाद ये यहाँ पे एक इंटीजर आएगा, 2 इंटीजर है हमारे पास, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 10 और बी इज इक्वल्स टू 20। उसके बाद सबसे पहले ये स्विच ए जो हमारा आउटर स्विच है इसमें आएगा, फिर इसके बाद इसका केस 1 आएगा, केस 1 इसका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमें पता है अगर हम वैल्यूज इंटर करते हैं तो हमारा जो मामला है वो कुछ और होता, तब हमारे पास प्रिडिक्शन नहीं कर सकते थे हम, लेकिन अब जो है वो हमें पता है एब्सोल्यूट बात है कि ए को हमने पहले से ही वैल्यू 10 दी हुई है, तो हमें पता है कि हमारा जो केस नंबर 2 है केस 10 यही हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो हमने इधर लिख दिया द वैल्यू ऑफ ए इज 10, देन हमने इधर अपना ये लिख दिए, फिर उसके बाद तो इधर अब हम यहाँ पे कंट्रोल का फ्लो का कंट्रोल देख लेते हैं कि फ्लो कंट्रोल कैसे करेगा। यहाँ पे हमारा के ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 20, उसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे स्विच ए, ये हमारा आउटर स्विच है, इसके अंदर जब आएगा ए इज इक्वल्स टू 10 है, हमें पता है अगर हम ए को अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो हमारे लिए मसले की बात होती, लेकिन हमें पता है ए को एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमने दी हुई है, तो ए की वैल्यू जो है वो केस 2 इसका ट्रू हो जाएगा, तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ ए इज 10। इसके बाद ये हमारा स्विच बी जो है ये इनर स्विच है, ये हमारा इनर स्विच है, उसके बाद इनर स्विच के अंदर आएगा बी की वैल्यू भी हमारे पास एब्सोल्यूट है, हमने इसको सीन फंक्शन के जरिए इसमें स्टोर नहीं करानी, तो इसका इसका भी केस 2 प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ बी इज 20। ये जस्ट मैंने लॉजिक बिल्ड करने के लिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाया है, इसीलिए मैंने इसको लॉजिक बहुत सिंपल रखी है ताकि आपको आसानी से समझ आ गए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और जैसा कि जो हमने प्रिडिक्ट की थी कि दोनों के केस 2 केस नंबर 2 जो हैं वो प्रिंट होंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ बी इज 20। तो इस तरीके से ये यहाँ पे नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आपको ऐसा चाहिए कि आप बोल रहे हो कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरे मार्क्स मेरे जो नंबर है या जो भी नंबर है
ये मेरा इंटर करें हम, तो हम जैसे इसको कैंसिल करते हैं, उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे हम, बैक स्लैश एन इंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी की वैल्यूज इंटर करनी है। एक सीन फंक्शन दिया, सीन फंक्शन के अंदर हमने लिख दिया ए, बल्कि हमें स्मॉल ए देना है, देन लिख दिया हमने बी, और इसके बाद इसकी वैल्यू जो है हमने क्रॉस कर दी। हम यहाँ पे काम करते हैं कि हम इन दोनों को मिक्सअप करके नहीं लिखते, हम इनको अलग अलग करके लिख देते हैं ताकि आपको इसकी लॉजिक और क्लियर हो जाए। यहाँ पे ए लिख के हमने सेमी कोलन दे दिया, हम इसको जस्ट यहाँ से रेप्लिकेट करेंगे। इसके बाद वैल्यू ऑफ बी लिख दिया, यहाँ पे हम अपना वेरिएबल बी रख देंगे। तो अब इसने हमसे पहले मांगी ए की वैल्यू, हमने 1 इंटर कर दी, बी की मांगी हमने 10 इंटर कर दी। तो द वैल्यू ऑफ 1 इज़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दी एक बिल्कुल, इसी वजह से इसने हमें यहाँ पे एरर थ्रो किया और सारी स्टेटमेंट इसने प्रिंट कर दी। यहाँ पे हमें ब्रेक देना लाजमी था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। उसके बाद और ब्रेक, देन हमें इधर ब्रेक लिखना है, और अब जो है हमारी लॉजिक बिल्डिंग बिल्कुल सही चलेगी। किसने हमसे वैल्यू मांगी, हमने 10 दी, बी की वैल्यू मांगी 20 दी, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ बी इज 20। तो इस तरीके से आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा के भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का ट्यूटोरियल था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।